आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला, मैं हूं आपके साथ संध्या। किशनगंज के वो इलाके आज भी खतरे के निशान पर हैं, जहां से महानंदा, कनकई, रतवा, मेछी आदि नदी का गुजर है। हम और आप 75वीं कौमी आजादी के दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन अफसोस सीमांचल की हालात जस के तस है। इस दौरान कई दलों के विधायक बने, सांसद बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के बने। निश्चित रूप से इस दौरान बिहार का विकास हुआ, किशनगंज के भी हालात बदले, लेकिन बाढ़ और नदी कटाव की स्थिति जो की तों बनी हुई है। हमारे रहनुमा, जिन्हें हम विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं, क्या कभी उन्होंने इलाके के दर्द को मजबूती के साथ पटल पर रखा? अगर रखा होता तो क्या हालात नहीं बदलते? क्या बाढ़ त्रासदी से राहत और निजात नहीं मिलती? राजद कांग्रेस के बाद किशनगंज की आवाम ने AIMIM पर भरोसा जताया है। AIMIM के लिए यह बड़ी चुनौती है। जाहिर है कि जो काम 75 साल में नहीं हुआ, वह 5 साल में भला कैसे पूरा हो सकता है? हाँ, यह जरूर है कि पहल की जा सकती है। किशनगंज संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के इजहारुल हसन हो या फिर अमोर से AIMIM के अख्तरुल ईमान, कोचा धामन के इजहार असफी हो या फिर बहादुरगंज के अंजार नईमी, सभी विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं की समाधान के लिए बेबाकी से अपनी बात रखते नजर आते हैं। जो चीजें अब दिखती है, पहले नदारद थी। जिस विधानसभा में नालंदा, गया, दरभंगा, मुंगेर की आवाज गूंजती थी, आज वहां सीमांचल के किशनगंज, अमोर, जोकी, बहादुरगंज और कोचा धामन की भी आवाज गूंजती है। यह एक सकारात्मक पहल है। उम्मीद है भविष्य में यह पहल सीमांचल के लिए मील का पत्थर साबित होगा।